आएंगे उनको मैं ज्वाइन करता रहूँगा। तो हमारी जो क्लास है आज की, ये क्लास है यूजीसी नेट और एमपी सेट के संबंध में। मैं बातचीत आप लोगों से कर रहा हूँ यूनिट नंबर एक पर, है ना। यूनिट नंबर एक के अंतर्गत कुछ पॉइंट आप लोगों को देना चाहता हूँ। आप लोगों को जहाँ भी कहीं नोट्स मिले या कंटेंट मिले तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। पहले नंबर पे आप लोगों को मैं बता दूँ, नोट कर लीजिएगा, द एलिजाबेथन पुअर लॉ, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और एलिजाबेथन पुअर लॉ से एग्ज़ाम में आप लोगों से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। आज मैंने आप लोगों के एलिजाबेथन पुअर लॉ पे एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने शायद देखा होगा, और देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में जिक्र किया है, लेकिन आने वाले टाइम में कई बार मैं इसके बारे में जिक्र और करूँगा, ठीक है। और नंबर दो पे आप लिखिए COS के बारे में, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी UK एंड USA के बारे में, ठीक है। ये नंबर टू पे आप नोट करिएगा, ठीक है। और नंबर थर्ड पॉइंट पर आप लोग नोट करिएगा, थ्योरीज सोशल वर्क की कौन कौन सी होती हैं, उन थ्योरीज के बारे में पढ़ने का प्रयास करिएगा। और नंबर फोर पॉइंट पे आपको अभी मैं बताने वाला हूँ कुछ प्रमुख सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में अभी मैं जिक्र करने वाला हूँ। ये नंबर फोर पॉइंट पर आप लोग ज़रूर थोड़ा सा मेंशन करिएगा, है ना, एक पॉइंट को। और नंबर फिफ्थ पॉइंट पर आप नोट कर लीजिएगा, कुछ प्रमुख पर्यावरणीय, है ना, पर्यावरणीय मोमेंट अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से आंदोलन, ये आप नोट कर लीजिएगा नंबर फिफ्थ पॉइंट पर, ठीक है। नोट कर रहे हैं सभी लोग। और नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें तो आप नोट कर लीजिएगा, जो है 19वीं सदी के दौरान, ठीक है, 19वीं सदी के दौरान जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सामाजिक संस्थाओं के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और उनके जो आंदोलन हैं उनके नाम आप लोगों को ध्यान रखना विथ वर्ष के साथ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको याद रखना है, हेलो। जी सर, मैं थोड़ा अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? हम इस समय कुछ एक मिनट में सर। इम्पोर्टेंट और प्रमुख बिंदुओं के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि अगर आपको कहीं कंटेंट और नोट्स मिलेंगे तो इसके संबंध में यूनिट नंबर एक में आप इसे पढ़िएगा। अगर मैं PDF देता हूँ या वीडियो का लिंक देता हूँ या कहीं पर भी वीडियो का लिंक और PDF मिलता है तो आप उसे अवश्य पढ़िएगा और देखिएगा जरूर। उन्हीं पॉइंटों को मैं नोट करवा रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद आपको नोट करना है लेबल्स, लेबल्स ऑफ थ्योरीज कौन 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 सी होती है। मैं इन पर भी बात करूँगा आप लोगों से, है ना। लेबल्स ऑफ थ्योरी का मतलब होता है कि जो सिद्धांत दिए गए हैं उसके स्तर के बारे में जानना है हमें, और समाज जो समाजकारी अभ्यास है, जो समाज कार्य अभ्यास है, इस पे भी बात करूंगा मैं आप लोगों से। समाज कार्य अभ्यास के अंतर्गत एक थ्योरी आती है, ग्रांट थ्योरी, ग्रांट थ्योरी। अब इस बार आप लोग कुछ नए नए नाम देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। ग्रांट थ्योरी होती है एक, आपको ध्यान रखना है, और एक माइक्रो लेवल का थ्योरी ध्यान रखना है, ठीक है। इस पर भी मैंने हालांकि आप लोगों को लास्ट वाली क्लास में बताया था, लेकिन फिर मैं दोबारा से जिक्र करूंगा आप लोगों से। और ठीक है, इसके बारे में देखना, मिडिल रेंज की थ्योरी आपको ध्यान रखना है, मिडिल रेंज की थ्योरी, ये भी बात करूंगा। आप निश्चिंत रहें, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, नोट्स भी दूंगा, PDF भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, बट आप नोट रखें इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रहा हूँ आप लोगों को। और उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों से तो माइक्रो, आपने नाम सुना होगा जो है यूरी के बारे में, ब्रोफेन ब्रेनर के बारे में, है कि नहीं, सुना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो माइक्रो एक होगा और एक मीजो होगा और एक माइक्रो होगा। देखिए, मैक्रो है MACA और ये माइक्रो है, ठीक है, MICRO, माइक्रो, ठीक है। इसके बारे में हमें पढ़ना है सोशल वर्कर के, सोशल वर्कर्स के। और एक हमें थ्योरीज याद रखनी, कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस में, है ना। बस ये आपको ध्यान रखना है, इतनी चीज़। शायद आप लोगों ने 7-8 पॉइंट नोट कर लिया होगा जो मैंने बताया है आप लोगों से। अब यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ।
देखिए, सबसे पहले जो मेजर एनवायरनमेंट मोमेंट हैं इन इंडिया में, कुल प्रमुख सात हैं, इनके बारे में आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। एक है चिपको आंदोलन, ठीक है, जिसको हम लोग चिपको मोमेंट कहते हैं। एक है एपिको मोमेंट, जिसको हम लोग एपिको आंदोलन के नाम से ही जानते हैं। एक है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आपको ध्यान रखना होगा। और एक है आपका बिश्नोई मोमेंट, यानी बिश्नोई आंदोलन। और एक है आपका साइलेंट वैली, इसी को मूक भी बोलते हैं, मूक आंदोलन भी कहते हैं इसी को। और साइलेंट का मतलब शांति होता है, शांत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। एक है जंगल बचाओ आंदोलन, और एक है टिहरी डैम जो है कॉन्फ्लिक्ट करके आता है, टिहरी बांध के संबंध में आता है ये आंदोलन। आप लोगों को जो है ध्यान रखना होगा इतने फैक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर नोट करके रखिएगा, जो हम सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों ने क्लियर हो गई, एक बार कन्फर्म कर दीजिए। तो मैं फिर आगे बात करूँ पर्यावरणीय आंदोलन के बारे में। अब पर्यावरणीय आंदोलन के अंतर्गत हम क्या में क्या क्या पढ़ना चाहिए, जैसा कि आपको पता है कि भारत में विकास के साथ साथ, सर जी सर थियरी और सिद्धांत में क्या अंतर है? देखो, थ्योरी जो होती है उसकी आलोचना होती है, सिद्धांत सार्वभौमिक जो प्रिंसिपल होता है वो सार्वभौमिक सिद्धांत पर जो है आधारित होता है, सत्यता पर आधारित होता है, वास्तविकता पर आधारित होता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, थ्योरी में परिवर्तन होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, 21वीं सदी के सबसे बड़े संकट की यदि बात करें तो वह है पर्यावरण पर आया संकट। अभी भी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। तो भारत में विकास के साथ साथ पर्यावरणीय आधारित संघर्ष जो भी बढ़ते रहे हैं, और ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये आंदोलन जहाँ एक ओर पर्यावरणीय संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं आम आदमी ने परंपरागत अधिकारों की रक्षा की भी बात की है, क्योंकि मूलतः दोनों एक दूसरे पर निर्भर है ना। तो भारतीय प्राचीन संस्कृति की विशेषता रही है कि इन्होंने विकास के वर्तमान मॉडल को एक वैचारिक चुनौती दी है ना। तो पर्यावरणीय आंदोलनों में भारतीय लोकतंत्र और नागरिक समाज का एक नया आयाम उभर के सामने हमारे आया है। तो इन्हीं में कुछ आंदोलन है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे सामने एक आंदोलन आ रहा है, बिश्नोई आंदोलन, है ना। बिश्नोई आंदोलन उत्तरी भारत में एक प्राकृतिक प्रेमी पंथ माना जाता है इसको, है ना, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग बिश्नोई आंदोलन के अंतर्गत। और राजस्थान राज्य और सीमावर्ती राज्य, जैसे अगर हम बात करें पंजाब, और एक आपका आता है सर जी हरियाणा। एक प्रश्न है मेरा, जी ये वही बिश्नोई समाज है जो काले रंग की पूजा करता है जो कि सलमान खान पे लगा था? ये बिश्नोई आंदोलन नहीं, ये जम्भोगी महाराज के बिश्नोई दो, समाज, हाँ ये जम्भोगी महाराज का है, ठीक है। ओके हाँ, ये आप बिश्नोई आंदोलन ध्यान रखेंगे इसके संबंध में। ये बेसिकली राजस्थान राज्य और सीमावर्ती या समीपवर्ती राज्य जो पंजाब हरियाणा है उसको एक ले जो है जोड़ने का प्रयास करता है इनसे, इन राज्यों से। तो कभी कभी प्रश्न हमारे सामने बनता है एग्जाम में, तो कहता है कि राजस्थान राज्य और कौन से अलग सीमावर्ती राज्य हैं जो समीपवर्ती राज्य हैं जिसको रिलेट करता है, तो ऑप्शन में पंजाब हरियाणा जरूर मिलेगा। इसलिए ये फैक्ट के रूप में आप अवश्य नोट करें इन सब के बारे में, है ना। देखिए बच्चे अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, भाई ये गलत बात, मैं कितनी बार आप लोगों को बताऊं, ते समय से पहले ज्वाइन करें। पर्यावरणीय आंदोलन को हम जैसे ही बात करते हैं तो पहला नाम हम लोगों को चिपको आंदोलन को लेते हैं, और पर चिपको आंदोलन से कई सौ वर्ष पहले ही वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन आया, और वो जो था कौन सा आंदोलन था, बिश्नोई आंदोलन था। तो ये कहीं कहीं कहा जाता है कि 1730 के दौर पे दौरान में 1730 के दौरान में यह आंदोलन जो है हमें देखने को मिला था, है ना। यानी बिश्नोई आंदोलन में अगर मैं बात करूँ तो बिश्नोई शुद्ध शाकाहारी शब्द को रिप्रेजेंट करता है, बिश्नोई का जो अर्थ बनता है ना, 20 यानी 20 प्लस 9 बिश्नोई, तो बिश्नोई शुद्ध शाकाहारी है। बिश्नोई धर्म की स्थापना भी हुई है, और इसकी प्रेरणा की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक नाम आता है
अमृता देवी का नाम सुना है आप लोगों ने? अमृता देवी का नाम बताओ। यस सर, पर्यावरणविद थी। हाँ, तो बिश्नोई आंदोलन में अगर मैं आपसे बात करूं, इसी से तो प्रेरित होके चिपको आंदोलन आया था, इसी से प्रेरित होके चिपको आंदोलन आया था। तो यह आंदोलन भारत के राजस्थान राज्य के एक खिजड़ली नामक स्थान है जहाँ 1730 में इसकी जो है शुरुआत हुई। इस आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे उनको माना जाता है संत जम्भोगी जी को। ठीक है, नेतृत्वकर्ता किसको माना जाता है? संत जम्भोजी का नाम आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इन्हीं के द्वारा किया गया था। और यह आंदोलन में अगर हम बात करें तो अमृता देवी बिश्नोई ने अपने तीन पुत्रियों सहित, अपनी तीन पुत्रियों के साथ वृक्षों की रक्षा करने के लिए जान दे दिया था। और राजा के द्वारा वृक्षों को काटने का आदेश वापस लेने पर यह आंदोलन समाप्त हो गया था, फिर बिश्नोई आंदोलन। ठीक है, तो एक घटना थी जिसमें सितंबर 1730 में खिजड़ी के वृक्षों की सुरक्षा के लिए तत्पर बिश्नोई पंथ ने 363 लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें। तो कभी कभी पेपर में आता है कितने लोगों को मृत्यु हुई थी, तो आप 363 जरूर बता सकते हैं अगर ऑप्शन में रहेगा। और जम्भोगी महाराज द्वारा बताए गए जो है यहाँ पे 29वां नियम, 29वां जो नियम था, उन नियमों का पालन करने वाला बिश्नोई था। ठीक है, बिश्नोई जो नियम है बताया गया वो 29th वाला नियम था, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर रहेगा ये तीन चार फैक्ट आप लोगों के लिए? बताइए, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका बिश्नोई समाज की है, इस बात को आप खास कर ध्यान रखेंगे। खिजड़ी गांव है, जोधपुर है, राजस्थान में। विरोध बिश्नोई आंदोलन के जो है 363 लोग मारे गए थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। और आप यहाँ देख रहे हैं समाज के 363 लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। और सन 1970 में जोधपुर के महाराज अभय सिंह, देखिए यहाँ पे अभय सिंह ने एक विशाल महल बनाने की योजना बनाई थी, इसीलिए वो वृक्ष कटवा रहे थे। जब महल के लिए लकड़ी की बात आई तो यह सुझाव दिया गया कि कोई बच्चे जो है अनम्यूट होंगे, म्यूट होके सुनेंगे तो डबल आवाज नहीं जाएगी, सभी लोग म्यूट हो जाइए एक बार, है ना। जब महल के लिए लकड़ी की बात आई तो उस समय उन्होंने सुझाव दिया था राजस्थान में वृक्षों को अकाल है, लेकिन केवल एक ही जगह है जहाँ बहुत मोटे मोटे पेड़ है और वहाँ बिश्नोई समाज की खिजड़ी गांव है। ठीक है, तो इसी के संबंध में ये बिश्नोई आंदोलन था, 1730 में आया, खिजड़ी गांव में, राजस्थान जोधपुर की बात है। अमृता देवी इसकी प्रेरणा है। जी क्या कह रहे हैं आप सर, क्या कह रहे हैं? चलिए म्यूट हो जाइएगा सभी लोग। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चित्र बना हुआ है, ये बिश्नोई आंदोलन का चित्र बना हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं चिपको आंदोलन के बारे में, बात करेंगे नेक्स्ट चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमसे एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछता है। मैं आपको सबसे पहले कुछ फैक्ट लिखवा देना चाहता हूँ चिपको आंदोलन के संबंध में। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे चिपको आंदोलन के संबंध में। चिपको आंदोलन बेसिकली इसके 3 वर्ष हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ष आपको मिलता है 1970, एक वर्ष आपको 1973 और एक वर्ष मिलता है 1974। ये 3 वर्ष मिलते हैं, लेकिन आप ये ना समझें कि तीनों वर्ष जो है कभी भी आपको एक साथ नहीं आएंगे, और जिस दिन आ जाएंगे उस दिन समझ लीजिएगा कि इस प्रश्न को क्लेम होगा, है ना, इस क्लम इस पेपर में, इस क्वेश्चन पेपर पे। आपको अगर हम बात करें तो एक जो प्रश्न होगा उसको सभी को कॉमन नंबर दिया जाएगा, परंतु आप तीनों में से सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कोई है तो वो 1973 है, ये बात आप ध्यान जरूर रखेंगे, 1973 का। ठीक है, अब इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश, ठीक है, और कि चमोली जिले में साल 1973 में शुरू हुई। और किसान राज्य के वन विभाग ने ठेकेदारों के हाथों से कट रहे पेड़ों पर लोग अपना, जब भी कुछ लोग ने अपना स्वार्थ साधने के लिए प्रकृति का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तब तब लोगों ने उसका खुलकर विरोध किया था, और यह विरोध बाद में जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया था, है ना, इस बात को आप खासकर ध्यान रखेंगे। चिपको आंदोलन जो है ना एक पर्यावरणीय या पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है, और यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों के वृक्षों की कटाई का विरोध कर रहे थे।
इस बात को आप खासकर ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश जो है चमोली जिले के सन 1973 और 1970 और 1974 से ये प्रारंभ किया गया, तो उस दौरान जो प्रेरणाकर्ता थे इसके, जो प्रेरणा थे उनका नाम अगर आप पूछता है पेपर में तो ध्यान रखिएगा, एक नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा का, और दूसरा नाम अगर हम बात करें तो कॉमरेड गोविंद सिंह का, कॉमरेड गोविंद सिंह का। अब आजकल सुंदरलाल बहुगुणा नहीं पूछा जाता है, पता होगा आप सब लोगों को अच्छे तरीके से। अब आजकल पूछा था निम्न में से कौन सा नहीं है, है ना। अब अगर हम बात करें तो चंडी प्रसाद भट्ट एक नाम आता है, चंडी प्रसाद भट्ट एक नाम आता है, और एक नाम आता है श्रीमती गौरा देवी, इनका भी नाम आप लोगों ने सुना ही होगा कहीं ना कहीं, शायद कॉमरेड पहली बार नाम आप लोग सुन रहे होंगे, है ना, बाकी के नाम से आप लोग परिचित हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, इसका नेतृत्वकर्ता अगर कोई है मुख्य रूप से तो चंडी प्रसाद भट्ट को माना गया है, ठीक है। और ये जो है अगर हम बात करें तो बिश्नोई आंदोलन से ये प्रेरित आंदोलन है, चिपको आंदोलन, ठीक है, इस बात को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे, क्लियर। इसके मुख्य सुंदरलाल बहुगुणा नहीं है, सुंदरलाल बहुगुणा प्रमुख नेतृत्व करता है तो प्रमुख इन्हों को माना गया है, सुंदरलाल बहुगुणा को, क्योंकि चिपको आंदोलन की घोषणा वाक्य जो है बहुगुणा जी ने ही लिखा है। क्या है जंगल के उपहार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, ये जो स्लोगन है घोषणा वाक्य जो है ये बहुगुणा ने लिखा है, इसलिए इनको प्रमुख माना जाता है, और ये फेमस भी रहे हैं चंडी प्रसाद, सॉरी सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, इनका ये स्टेटमेंट है ना, इस बात को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, सन 1987 में, कहीं कहीं 1980 भी मिलता है इसकी समाप्ति को लेकर, कि ये समाप्त कब हुआ, तो आप लिख सकते हैं 1980 वाला, 1980 वाला इस आंदोलन को, ये करेक्ट रहेगा, 1980 में ये समाप्त हो गया था। 1987 में एक इसी आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, बहुगुणा जी को, सुंदरलाल बहुगुणा जी को, ठीक है। क्या नाम था उसका, सम्यक जीविका पुरस्कार से, सम्यक जीविका पुरस्कार, इससे जो है इनको सम्मानित किया गया था, इस बात को आप खासकर ध्यान रखेंगे। गौरा देवी महिला मंडल की अध्यक्ष थी, और चिपको ओमैन के नाम से ये जानी जाती हैं। चिपको ओमैन के नाम से किसको जाना जाता है, गौरा देवी जी को जाना जाता है, ठीक है, इस बात को आप लोग खास कर ध्यान रखेंगे। इस आंदोलन में सर्वाधिक संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था, और इस आंदोलन में वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा की गई थी, है ना, इस बात को आप लोग खास कर ध्यान रखेंगे, एक एक फैक्ट को भी आप लोग समझ के रखेंगे तो हमें काम आएगा। तो किस नाम से जी जाना जाता है, किसको, गौरा देवी को किस नाम से जाना जाता है, चिपको ओमैन, चिपको ओमैन, हाँ, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने एक आता है अपिको आंदोलन, है ना। अपिको आंदोलन के बारे में अगर हम लोग बात करें, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा इसके बारे में भी, अपिको आंदोलन के बारे में। अपिको जो है कन्नड़ भाषा में है, अपिको कौन सी भाषा है बता सकते हैं राजीव जी, कन्नड़ भाषा में, हाँ कन्नड़ भाषा में। इसका अगर मैं आपसे बात करूं, इसका जो अर्थ होता है ना, चिपको ही होता है, अर्थ अगर हम निकालेंगे तो चिपको ही होता है अपिको का। और आपको बता दूं ये कहाँ है, अपिको आंदोलन शुरू हुआ था तो कर्नाटका में हुआ, कहाँ पे, कर्नाटक में। अन्य नाम इसका जानते हैं क्या है, अन्य नाम आप ध्यान रखें, दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन का नाम बताइए जरा, दक्षिण भारत का, ये अपिको आंदोलन, बिल्कुल करेक्ट जवाब, चिपको आंदोलन का नाम अगर बात करें तो यही है अपिको आंदोलन, 2012 में आया था ये फर्स्ट पेपर में, ओके, ये आया था सन 1983 में, 1983 में आया था ये, ठीक है। और आपको बता दूं परिस्थितिकी ही अस्थाई अर्थव्यवस्था है,
पारिस्थितिकी ही अस्थाई अर्थव्यवस्था है, यह एक प्रकार का नारा अपिको आंदोलन में था। ठीक है, अपिको कन्नड़ भाषा में अपिको आंदोलन का अर्थ कहीं कहीं अपिको चालू वाली भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है कन्नड़ भाषा में? चालू वाली, अपिको चालू वाली ये भी बोला जाता है इसको। अगर हम बात करें, स्लोगन मिलता है अपिको आंदोलन में सुशु करके। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा कि नारा अपिको आंदोलन में क्या मिलता है हमें। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, नोट कर लीजिएगा, सुशु बलेसु और बलासु, यह शब्द ऐसे ही आ जाता है कभी कभी, तब भी आप कहिएगा कि यह अपिको आंदोलन से संबंधित है। कन्नड़ भाषा ऐसा इसी का मतलब क्या हुआ? परिस्थितिकी की ही अस्थाई अर्थव्यवस्था है ना, परिस्थितिकी की ही अस्थाई अर्थव्यवस्था। कन्नड़ भाषा का हिंदी रूपांतरण, अगर हम बात करें कन्नड़ भाषा में एपिको आंदोलन के बारे में, तो इसका हिंदी रूपांतरण होता है गले लगाना, जिसको मैंने अभी आपको बताया भी है, हगिंग, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, चिपको आंदोलन, है ना। ये बात आप लोगों को जो है ध्यान में रखना होगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आप सबके लिए। और इसके प्रेरिता हैं पांडुरंग हेगड़े, का नाम तो सुना ही होगा, नेतृत्वकर्ता पांडुरंग हेगड़े का नाम आता है। ठीक है, और इसमें भी महिलाओं के द्वारा वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा की गई थी, है ना, उसकी रक्षा जो है की गई थी। मौजूदा वन जो हैं क्षेत्रों का संरक्षण करना है कि नहीं, संरक्षण करना और खाली भूमि पर वृक्षारोपण करना, प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखकर उसका सदुपयोग करना, ये सब जो है इसके अंतर्गत देखने को मिला था, है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बचाओ बढ़ाओ और काम लाओ, अगर हम बात करें तो अब बेसिकली बात एपिको आंदोलन के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और हमारे सामने ये देख सकते हैं नेक्स्ट आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये स्क्रॉल सही तरीके से नहीं हो रहा है, मैं दूसरी पीडीएफ, जी सर है जी ना, सर, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। इसमें अगर हम बात करें तो ये शुरुआत कब हुआ, तो आप कहते हैं कि सर 1989 में ये क्या हुआ, शुरुआत हुआ, यही ना बोलते हो। शुरुआत और जब मैं कहता हूं कि ये शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो शायद आप लोगों ने कल नोट भी किया था कि मध्य प्रदेश से चला था गुजरात तक गया था, है ना, या गुजरात से मध्य प्रदेश। बेसिकली क्या कारण था कि एमपी में जल भराव की बात थी, किसकी बात थी, एमपी में जल भराव की बात थी, और जल का अभाव कहाँ था, गुजरात गुजरात में था। वेरी गुड, क्या बात है भाई, शाबाश, गुजरात में था। अब इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं, नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे जो बांध थे उन्हीं के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। इसकी भूमिका की अगर हम बात करें या नेतृत्वकर्ता की बात करें, तो सबसे हेमा पहले पाटेकर और बाबा आमटे, बाबा आमटे का नाम मुख्य माना जाता है, और मेघा पाटेकर भी वहीं पर कम नहीं है, इनका भी नाम सर्वोच्च पे रखा जाता है प्रमुख के रूप में। तो मेघा पाटेकर, बाबा आमटे, और एक नाम आज और देख लीजिए आप लोग, वह नाम आता है अरुंधति राय, अरुंधति अरुंधति राय। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है इन्होंने लोगों ने निभाया था। एक एक पॉइंट आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में शुरू, आदिवासियों के द्वारा यह शुरू किया गया था, और यह आंदोलन मध्य प्रदेश से गुजरात तक फैला था, और यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाए गए बांध जो थे उसी के विरोध में चलाया गया, और इसका नेतृत्व बाबा आमटे, मेघा पाटकर, अरुंधति राय के द्वारा जो है किया गया था। इस बात को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हमारे सामने एक आंदोलन और आता है, साइलेंट वैली आंदोलन करके आता है, जिसके बारे में आप भलीभांति तरीके से परिचित हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मूक या शांत भी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, शांत घाटी आंदोलन, शांत घाटी के नाम से जाने जाते हैं।
बिल्कुल, हम इसको बोल भी सकते हैं शांत घाटी आंदोलन, बिल्कुल करेक्ट बात कर रहे हैं आप। तो ध्यान ये रखिएगा आप सभी लोग कि इसी को साइलेंट भी कहा जाता है, मूक भी कहा जाता है, शांत घाटी आंदोलन भी कहा जाता है। और यह केरल में, आपको पता होना चाहिए ये कहाँ, केरल में सन 1980 में, आपको पता होगा जनवरी में स्टार्ट हुआ था ये आंदोलन, है ना। कहीं कहीं 1978 भी वर्ष मिलता है, परंतु आप 1980 वाले को ही प्राथमिकता दीजिएगा, एनसीईआरटी की किताब में मिलता है। शांत घाटी अपने हरियाली पेड़ पौधों और जंगल के लिए जानी जाती है, ये बात आपको अच्छे से पता है। इसका नारा है, मालूम होना चाहिए आपको, शांत घाटी बचाओ, है ना, ये शांत घाटी बचाओ ये नारा है। और यह क्षेत्र के जैव विविधता से संपन्न है, इसलिए लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। और कुंतीपूज नदी है, और यहाँ पे 200 मेगावाट, कभी कभी पेपर में आ जाता है, बेसिकली अभी तक यूजीसी नेट सोशल वर्क में तो नहीं आया है, और अगर आ जाए तो आप लोग लगा दीजिएगा, 200 मेगावाट बिजली विद्युत यानी पैदा करने के लिए बात, ये जो है बांध बनाए गए थे यहाँ पे, है ना, कुंती पूज नदी पर, ठीक है। और विद्युत बांध का निर्माण कार्य चल रहा था, और इसका विरोध किया गया आदिवासियों के द्वारा। बस इतनी बातें आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना चाहिए। और आदिवासियों ने सर, इसका इसका जो प्रारंभ हुआ था, तो ये भी नाम आप नोट कर लीजिए, शांत घाटी आंदोलन आदिवासियों के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये आदिवासियों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा सामूहिक रूप से किया गया था, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम इसमें नहीं आता है। क्लियर, बता दीजिए एक बार। सी नदी पे हाँ, कुंती कुंती, पूंज हाँ अच्छा कुंती पूंछ नदी, झांसी झंडा वाला पूंछ, क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करेंगे, हमारे सामने जो है एक टिहरी बांध नर्मदा आंदोलन आता है, टिहरी बांध नर्मदा आंदोलन आता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। टिहरी बांध उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के भागीरथी और भिलगावा गांव पर बनने वाला वह एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का पांचवा सर्वाधिक ऊंचा बांध है, टिहरी बांध विरोध आंदोलन। नर्मदा कैसे आ गई यहाँ पर, जी नर्मदा कैसे आ सकती है, विरोधी है टिहरी तो उत्तराखंड में, नहीं टिहरी बांध विरोधी आंदोलन, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं आप आपने लोगों से। नर्मदा का जिक्र किया ना, तो ये आपने गलती से विरोधी को नर्मदा बोल दिया था, कहाँ कहाँ, अच्छा हो सकता है, हो सकता है हाँ टिहरी मुझे बांध ध्यान यहाँ क्योंकि पे है, टिहरी टिहरी उत्तराखंड बांध में। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के, गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी और बिलगाना नदी पर बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का पांचवा, ध्यान रखेंगे ये भी जी के नॉलेज के आधार पे, आप लोग एशिया का सबसे बड़ा होगा और विश्व का पांचवा होगा, सबसे ऊंचा है ये, और इसी के निर्माण में स्वीकृति 1972 में योजना आयोग ने दी थी, 1970 जो है टू में। आपको मैं बता दूं, चिपको आंदोलन के आखिरी दौर के बाद ना सन 1986 में बहुगुणा ने टिहरी बांध विरोध आंदोलन की शुरुआत तो की थी, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान ना देने पर 1989 में वह अपना गांव छोड़कर टिहरी आ गए और भागीरथी नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। इस पर भी जब सरकार खामोशी ओढ़े रही थी, तो सन 1995 में उन्होंने 45 दिन तक टिहरी बांध के विरोध में उपवास किया था, टिहरी बांध के, है ना। तो कई विद्वानों के नाम इसमें हमें देखने को मिलते हैं, है ना। अगर हम बात करें सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, तो उसके नेतृत्व में अगर सन 1980 से 2004 तक में टिहरी बांध का विरोध आंदोलन में नेतृत्व में सुंदरलाल बहुगुणा जी का भी नाम हमें देखने को मिलता है ना। तो जनक के रूप में अगर पूछा जाए कि टिहरी बांध आंदोलन के जनक कौन रहे हैं, तो सुंदरलाल बहुगुणा का ही नाम आप लोग लगा के चले आइएगा, है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए, टिहरी बांध में, टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य है ना, उत्तराखंड राज्य, क्लियर। आप ऊपर ने अभी देखा भी है आप लोगों ने, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के भागीरथी और बिलगांव नदी पर, है ना। तो उत्तराखंड के जिले में स्थित है, और इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नया फैक्ट आपको मिला है एक,
क्या है उसका नाम? स्वामी राम तीर्थ सागर बांध, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया का अगर हम बात करते हैं तो ये पांचवा सबसे बड़ा बांध है। इसका उपयोग सिंचाई और विद्युत पैदा करने हेतु किया जाता है। भारत का और एशिया का सबसे बड़ा माना जाता है। ये रूप कब लिया था टिहरी बांध वाला? 1972 में एक रूपरेखा तैयार हुई है ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 1978 में शुरू हुआ लेकिन आर्थिक पर्यावरण आदि कारणों से फिर रुक गया था, फिर ये आगे नहीं बढ़ पाया 1978 में, फिर रुक भी गया था। फिर 2006 में इसका निर्माण जो है पूरा हुआ, 2006 में इसका निर्माण जो है पूरा हो गया था। तो याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। तो सर पेपर उत्तराखंड में जो त्रासदी आई थी तो क्या उसमें टेहरी बांध टूट गया था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे जिक्र है ना टिहरी बांध में, लेकिन केवल आपको ये ध्यान रखना कि 1972 में जो है इसकी रूपरेखा तैयार हुई थी, ठीक है, टिहरी बांध की। इस चीज़ को आप लोग खास कर ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर रहेगा? जी सर। एक बार बताइए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। हमारे सामने एक आता है जंगल बचाओ आंदोलन, नाम आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में, जंगल बचाओ आंदोलन के बारे में। जंगल बचाओ आंदोलन कहीं कहीं सन 1982 भी मिलता है तो कहीं आपको मिलता है 1980 भी, है ना, जंगल बचाओ आंदोलन। तो जंगल बचाओ आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में आप ये ध्यान रखेंगे कि भूमि, जंगल और पानी के लिए, ठीक है, सिंहभूम जिले का आंदोलन उत्तराखंड आंदोलन के सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर अधिकार और संघर्ष का एक हिस्सा बना था। ये जंगल बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन। और सन 1980 में जब स्टार्ट हुआ तो वर्तमान में झारखंड में ये हुआ, तत्कालीन में ये जो है बिहार और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों को ये रिलेट करता है आपका जंगल बचाओ आंदोलन। 1980 आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाद में यह आंदोलन झारखंड और उड़ीसा के में फैल गया और 1980 में सरकार ने बिहार के जंगलों का जो है मूल्यवान सागवन के पेड़ों के जंगल में बदलने का योजना पेश की थी। और इसी योजना के विरुद्ध बिहार में सभी आदिवासी कबीले एकजुट हुए और उन्होंने अपने जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन को चला दिया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पारस्परिक जो शॉल के वृक्ष काटे जा रहे थे और सागवन के वृक्ष जो लगाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने के परिप्रेक्ष्य में था, जो आदिवासियों ने इस तरीके का अपना कॉन्सेप्ट बनाया और जंगल बचाओ आंदोलन का नाम देकर इन्होंने फिर शुरुआत कर दी। और जंगल बचाओ आंदोलन 1980 ईस्वी में स्टार्ट हुआ और इसमें पारस्परिक शॉल के जो वृक्ष थे उनको काटे जा रहे थे, शॉल के वृक्ष को काटे जा रहे थे और सागवन के जो वृक्ष थे उसको लगाए जा रहे थे। उसके परिप्रेक्ष्य में ये जंगल बचाओ आंदोलन जो है शुरू हुआ था, ठीक है। राजनीतिक लालच का खेल और लोक लुभावन वाद के नाम से अगर हम बात करें तो जंगल बचाओ आंदोलन के में ही ये शब्द हमें देखने को मिलता है। तो पेपर में अगर प्रश्न आए कि राजनीतिक लालच का खेल और लोक लुभावन वाद किसको किससे संबंधित है, तो जंगल बचाओ आंदोलन से संबंधित है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सागवन के पेड़ों के जंगल में बदलने की योजना पेश की थी ये सरकार ने और यहाँ पर कौन से वृक्ष काटे जा रहे थे, तो साल के जो वृक्ष थे उसको काटे जा रहे थे, ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया, क्लियर हो गया होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, 1980 और 1985 दो वर्ष जो सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन के संबंध में था, ये कल मैंने आपको जिक्र कर दिया है। टिहरी बांध के बारे में अभी मैंने आपसे जिक्र कर दिया है। एक और आप नोट कर सकते हैं जैसे कि इम्पोर्टेंट तो हो सकता है, और वह आंदोलन है आपका चिल्का बचाओ आंदोलन। नाम तो सुना ही होगा, सुना है चिल्का? नहीं सुना सर मैंने। ओके, सर चिल्का झील। चिल्का बचाओ आंदोलन, चलिए आज आप सुन लीजिए। सन 1977 और 78 के वर्ष में एक झींगा मछली के उत्पादन में, कौन सी मछली? झींगा मछली। झींगा मछली के उत्पादन में और निर्यात के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष माना गया था यहाँ पर, चिल्का जो है झील में, चिल्का बचाओ आंदोलन में। तो चिल्का झील मछली तथा पैसे का पर्यायवाची शब्द बन गया है ना, चिल्का झील मछली,
और पैसे का पर्यायवाची शब्द बन गया। 1977 और 78 में ये आंदोलन चलाया गया। और चिल्का झील उड़ीसा और एशिया और भारत का सबसे बड़े खारे पानी की झील मानी जाती है, यानी आप लोगों को ये पता भी होना चाहिए और मालूम भी होगा आप लोगों को खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। चिल्का झील है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, चिल्का झील हो गया आपका, नर्मदा बचाओ टिहरी बांध भी हो गई आपकी, और आप लोगों ने कल ही आपने एक और पॉइंट देखा था, जन लोकपाल विधेयक आंदोलन, इसके बारे में भी आप लोगों ने कल देखा था। यह आंदोलन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 5 अप्रैल 2011 में, यानी 2011 में, समाजसेवी अन्ना हजारे के द्वारा, किसके द्वारा, अन्ना हजारे द्वारा जी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। जंतर मंतर में इन्होंने अनशन के साथ शुरू किया था, साथ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और प्रशांत भूषण और बाबा रामदेव भी इसमें शामिल रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा। 12 दिनों तक यहाँ पर जो चला था, ये पेपर में पूछा जा सकता है कितने दिनों तक का अनशन चला था, 12 दिनों का अनशन चला था। अनशन ध्यान रखेंगे इसके बारे में आप लोग। और 16 अगस्त को, कब, 16 अगस्त को संसद में लोकपाल विधेयक पास करने की बात जो है स्वीकार कर ली गई थी, लोकपाल विधेयक बिल को। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यूजीसी नेट और एमपी सेट में ये प्रश्न हम सबसे आ सकता है। आप लोगों ने एक नाम और सुना ही होगा, पता भी होगा आप लोगों को, निर्भया आंदोलन के बारे में, है ना, निर्भया आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा। सन 2012 का है ये, 16 दिसंबर 2012 की घटना के बाद पूरे देश में जागरूकता बढ़ी और महिलाएं भी अपने प्रति हो रहे जो अन्याय थे उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे और उसमें नए कानून की मदद ली, महिलाओं ने नए कानून की मदद ली। तो सरकार ने भी महिला बैंक की शुरुआत भी की थी और सरकार ने इसी घटना के बाद निर्भया फंड की भी शुरुआत की थी। ठीक है, और दिल्ली सरकार ने हेल्पलाइन एक जारी किया था जो 181 थे, और आपको पता होगा। और जुवेनाइल जुवेनाइल कोर्ट में भी चाइल्ड की जो उम्र है उसको बढ़ा दिया। हाँ, उसको भी बढ़ा दिया गया था, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके संबंध में था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, कि 16 दिसंबर को निर्भया न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है, निर्भया न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे 16 दिसंबर को, है ना, क्लियर। और उसके बाद अगर हम बात करें और भी जो इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं, अगर आप लिख रहे हैं तो बड़ी मदद करेंगे आपके ये नोट्स, क्योंकि शॉर्ट नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो वो बड़ी मदद करेंगे आपके आने वाले टाइम में, है ना। जैसे ही आप ओपन करेंगे फिर पढ़ने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को, आप लोग बस पढ़ के ही केवल जाके पेपर में आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस के जवाब, एक आपने नाम सुना होगा नौदान्या आंदोलन करके, सुना है आप लोगों ने नौदान्या आंदोलन के बारे में, नौदान्या आंदोलन सुना है कि नहीं सुना है। नहीं। ये दिल्ली में चलाया गया था नौदान्या आंदोलन, सन 1982 में, वंदना शिवा का नाम था, वंदना शिवा का नाम से था ये, और यह एक प्रकार का जागरूकता अभियान था। पता है क्या, इसके अंतर्गत जैविक कृषि की बात हुई थी, जैविक कृषि की बात हुई थी, जैविक उर्वरक की बात हुई थी, देखो कितना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, और जैविक बीज की बात हुई थी, जैविक बीज की बात हुई थी, पता है ये तीनों। जैसे दिल्ली में क्या था, जो पौधे लगाए जा रहे थे है ना, उन पौधों को, जैसे मान लो ये पौधा है ना, अब इस पौधों को काट दिया जाता था, है ना, जैसे दिल्ली में अभी भी पौधे काटे जा रहे हैं, तो उनको यहाँ से काटने की अनुमति दी गई थी, ना कि उसको जड़ से काटने की अनुमति दी गई थी। तो पौधों को ना काटने की अनुमति, जैसे ये पौधा है एक और एक पौधा ये रहा, है ना, सपोज ये पौधे दोनों में जो है टच हो गए, है ना, तो इनको काटने की बात हुई है, इसी परिप्रेक्ष्य में ये आंदोलन चलाया गया था। और ये बताया गया था कि जैविक कृषि, जैविक उर्वरक और जैविक बीज को लेकर,
वंदना शिवा की भूमिका थी इसमें। और यह आंदोलन जानते हो 1984 में, 1984 में एक एनजीओ में बदल गया। नवदान्य आंदोलन किस रूप में बदल गया है अब? एनजीओ में। कब बदला है? 1984 में। स्पष्ट हो गया? एक बार बता दीजिए आप सभी लोग, फिर मैं आगे बढ़ूं। स्पष्ट हो गया? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नवदान्य आंदोलन। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट बिंदु पर, और वो भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो भी। जैसे आपने नाम सुना होगा मैत्री आंदोलन के बारे में, सुना है मैत्री आंदोलन? मैत्री, हाँ मैत्री आंदोलन। इस आंदोलन की अगर हम बात करें तो मैत्री का पहले मतलब जान लीजिए। मैत्री का मतलब क्या होता है? माँ का घर, माँ का घर, यानी मायका, मायका ही होता है ना माँ का घर। और यह उत्तराखंड में कहाँ पर चलाया गया था? उत्तराखंड में। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो क्या नाम था उनका? कल्याण सिंह, कल्याण सिंह रावत, रावत, वेरी गुड, कल्याण सिंह रावत थे। शुरू कब किया गया था ये? 1994 में, 1994 में, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, नवदंपत्ति से बेटी से, जो नवदंपत्ति थी जैसे शादी होती थी, बेटी और दामाद से एक पौधा लगवाया जाता है और उसकी देखरेख जो है किया जाता है, उस पौधे की फिर देखरेख। यानी यहाँ नवदंपत्ति शादी के समय में जो नवदंपत्ति है बेटी और दामाद से, और ये कहाँ पर? मायके में, ठीक है, वहाँ पर एक पौधा लगवाया जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसमें बेटी के नवदंपत्य जीवन के अवसर पर वृक्षों को नया जीवन प्रदान किया जाता है, इसलिए यह आंदोलन चलाया गया था मैत्री आंदोलन। बस यहाँ अब आपका ये करेक्ट हुआ। अब आप लोग क्रम लिख लीजिए, कभी कभी हमसे क्रम पूछता है तो क्रम के बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तरफ लिखिए महत्वपूर्ण तथ्य, एक तरफ लिखिए महत्वपूर्ण तथ्य, और दूसरी तरफ लिखिए क्रमानुसार वर्ष, क्रमानुसार आवाज नहीं आ रही, वर्ष। आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? एक बार कंफर्म करिए आप सभी लोग। ओके, तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर बिश्नोई आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन, और ये 1730 लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे चिपको आंदोलन, और चिपको आंदोलन 1973 लिखेंगे हम लोग। और फिर उसके बाद 1973 से पहले एक 72 का भी है, टिहरी बांध वाला, है ना, 1972, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो टिहरी बांध लिखेंगे, टिहरी बांध लिखेंगे आंदोलन 1972। और उसके बाद लिखेंगे चिपको आंदोलन जो 1973 लिखेंगे। और फिर उसके बाद लिखेंगे चिल्का बचाओ आंदोलन, चिल्का बचाओ आंदोलन, और ये हम लोग लिखेंगे 1977 एंड 78। और चिल्का बचाओ के बाद हम लोग लिखेंगे साइलेंट वैली, साइलेंट वैली आंदोलन, और ये लिखेंगे 1978। क्लियर हुआ? इतनी चीज़ें एक बार स्पष्ट करें। चलो, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो 78 साइलेंट वैली है सर, चिल्का आंदोलन 1977 माना जाता है, 1977 और 78 मिलता है, तो 77 करिए आप, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने आता है, क्या हमने क्या लिखा है अभी, कौन सा आंदोलन ऊपर लिखा है? चिल्का, साइलेंट वैली। हाँ जी, वो ईयर में कंफ्यूजन हो रहा सर। क्या कंफ्यूजन हो रहा बताओ, बताओ ना क्या कंफ्यूजन हो रहा है? चिल्का आंदोलन 1977 कर लो, 1977 कर लो। चिपको आंदोलन 1977 कब बताया भाई? 1973 बताया है ना मैंने, तो
क्या कर रहे हो आप। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करते हैं तो जंगल बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन 1980, और फिर उस जी अपिको वो सर आंद 1980 बोल रहे थे। हाँ अपिको आंदोलन 1983, और टिहरी बात तो हो गया ना, टिहरी बात तो नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, जन लोकपाल दो 2011, निर्भया आंदोलन 2012। इतनी बात क्लियर हो गई? जी सर, चल जी सर, ये बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने। एक आज यहाँ से पता है आप लोगों को कि एक प्रश्न आना तय है, अगर आप लोग देख ले एक या दो प्रश्न भी मिलते हैं तो आप लोग अब आराम से यहाँ पे प्रश्न को जो है आसानी से कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं, हालांकि मैंने आपको पढ़ाया है, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के बारे में। 19वीं सदी के दौरान में एक राजा राम मोहन राय का नाम इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को मैं पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, तो उसके बारे में आप देख सकते हैं, ब्रह्म समाज क्या है पूरी जानकारी यहाँ पे मिलेगी आपको। फिर प्रार्थना समाज के बारे में हमें ध्यान रखना होगा, और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, प्रार्थना समाज के बाद सत्य शोधक समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, ठीक है, इनके बारे में, यंग बंगाल मोमेंट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, रामकृष्ण आंदोलन हो गया, आपको ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को जो है यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके जो नोट्स है, जो पीडीएफ है, ये आपको अगर ग्रुप में नहीं गई है तो मैं जो है आप लोगों को सेंड कर दूंगा। क्या पहुंच गई है कि नहीं गई है अभी तक ये बताइए? वाली तो सर मैंने नहीं देखी, नहीं गई है? अच्छा आंदोलन आ गई। अच्छा ये वाली पीडीएफ नहीं गई ये है वाली ना? भेज दीजिए आप, ओके ओके, वो वाली पीडीएफ आपके जो है पास ये पहुंच वाली जाएगी। भेज दीजिए। बस अभी क्लास समाप्त होने के बाद मैं तुरंत आपके पास ये पीडीएफ आपके ग्रुप में, एमपी सेट सोशल वर्क और यूजीसी नेट सोशल वर्क के ग्रुप में आपके पास पहुंच जाएगी। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे थ्योरीज के बारे में, है ना। सोशल वर्क की थ्योरीज होती हैं कुछ, जो जैसा कि आप लोगों को पता होगा भली भांति तरीके से आप जानते हैं, सोशल वर्क थ्योरीज के माध्यम से ही किया जाता है ना। और आपको बता दूं सबसे अहम जो थ्योरी है, आपने एक नाम सुना होगा जनरल सिस्टम थ्योरी, या सिस्टम थ्योरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह नाम जो है लुंड विन बार्टालैम्फी का नाम आता है, और बड़ा ही फेमस पर्सन है ये। अगर हम बात करें आप लोगों से तो बहुत ही फेमस पर्सन है ये लुंडविन वाटालैम्फी महोदय, और इन्हीं के द्वारा जो है सिस्टम थ्योरी आए, या आपसे पूछ ले जनरल सिस्टम थ्योरी तब भी नाम इसी का लगाएंगे। और मैं आपको बता दूं इन थ्योरी में, इस थ्योरी में अगर मैं आपसे बात करूं सिस्टम थ्योरी 1940, तो ध्यान दीजिएगा केवल कि ये थ्योरी कब आई है, या थ्योरी किसकी है और क्या काम करती है, बस इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, और यही चीज़ें आपके पेपर में पूछा जाएगा। ज़्यादातर नाम पूछे गए हैं आज तक, सोशल वर्क का पेपर उठा के देख लो, है ना, केवल नाम आते हैं और वर्ष आते हैं। जनरल सिस्टम थ्योरी भी इसी को कहा जाता है, और सिस्टम थ्योरी के नाम से जाता है, 1940 में आता है। नाम अगर पूछेगा आप लोगों से तो नाम आप लोग बताएंगे क्या, लुंड बिन बाटा लैम्फी, नोट कर लीजिए, नाम नहीं लिखा हुआ आई थिंक ना, नहीं लिखा हुआ, नोट कर लीजिए, नहीं बाटा लैम्फी लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए, नोट हो गया। बोल दीजिए एक बार, देखिए यहां पे लिखा हुआ बार्टा लैम्फी, बार्टा लैम्फी लुंड विन बार्टा लैम्फी। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे तो 1940 में ये थ्योरीज जो है आई थी सिस्टम थ्योरी, और ये सिस्टम थ्योरी का अगर हम बात करें काम किस पर करती है, ये सिस्टम थ्योरी का क्या भूमिका है इस सिस्टम थ्योरी में,
तो बेसिकली यह जो है ना परस्पर भागों को जोड़ने का काम करती है, यानी एक समूह को जोड़ने का काम करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट और प्रोसेस और आउटपुट। ह्यूमन रिसोर्सेज द्वारा इनपुट जी होते सर, हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनपुट होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज इनपुट होते हैं, और इंफॉर्मेशन भी इनपुट होता है। और इन इनपुट के माध्यम से ये प्रोसेस होंगे, और प्रोसेस के माध्यम से फिर हमें क्या मिलते हैं, रिजल्ट मिलते हैं, आउटपुट मिलते हैं। और यह प्रक्रिया फिर जैसे आपने कम्युनिकेशन का पढ़ा है सिस्टम, उसी तरीके से यह सिस्टम फिर लागू हो जाता है सिस्टम थ्योरी में। तो सिस्टम थ्योरी जो है अंतः विषय का अध्ययन करने की प्रणाली है, अंतः विषय की। और अंतः विषय का जब हम अध्ययन की प्रणाली करते हैं तो वहां पर भूम क्या प्रोसेस को मिलता है। तो एक प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं, जब हम अंतः विषय के बारे में जानकारी ले रहे हैं, या जब किसी के साथ कोई सामंजस्य बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे हम सिस्टम थ्योरी लगाते हैं, या भविष्यवाणी करने की बात करते हैं तो भी हम सिस्टम थ्योरी का ही प्रयोग करना शुरू करते हैं, है ना। तो सिस्टम थ्योरी में प्रणाली, सीमाएं, और एक शब्द आता है होमोस्टेटिस। होमोस्टेटिस ना बाहरी व्यवधान को बताता है, बाहरी व्यवधान के संबंध में जो आउटपुट वाला है वह एक प्रणाली को लचीला होने और उसकी प्रमुख विशेषता के नाम को बताती है, यानी एक प्रकार की प्रवृत्ति होती है ये होमोस्टेटिस। होमोस्टेटिस क्या है, एक प्रकार से संबंधों को बताती है, मतलब उसके जो पारस्परिक संबंध है उसको बताती है। सिस्टम थिंकिंग या लॉजिकल बात करने वाली कोई प्रक्रिया होती है तो सिस्टम थ्योरी में ही चीजें शामिल की गई हैं। इसमें सिस्टम थ्योरी में अगर मैं रिलेट करूं किस शब्द को, माइक्रो शब्द को, किसको रिलेट कर रहा हूं, माइक्रो शब्द को, और मेजो शब्द को, मीसो शब्द को, और एक्सो शब्द को, एक्सो शब्द को, और मैक्रो शब्द को, इनको समझो। देखो जो माइक्रो शब्द है ना, माइक्रो वाला, इस शब्द में अगर मैं बात करूं आपसे तो क्लाइंट के सबसे करीब का सिस्टम माना जाता है माइक्रो में, ठीक है। अब ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, माइक्रो में क्या सिस्टम थ्योरी माना जाता है, क्लाइंट सेवार्थी के सबसे करीब का सिस्टम माना जाता है। और मीसो सिस्टम में क्या माना जाता है, क्लाइंट का जो पर्यावरण है ना उस पर्यावरण के सिस्टम के संबंध को मानता है, यानी इन्वायरमेंट को रिलेट करता है। ये बात को समझिए अच्छे से। आप लोगों ने एक प्रश्न देखा था, आई थिंक मुझे याद आ रहा है अभी 2023 का ही ये पेपर है, अभी हाल ही जो 14 मार्च को पेपर हुआ था उसमें सेवार्थी को लेकर प्रश्न बनाए गए थे। इन चार सिस्टमों को दिया हुआ था, बाकी एक सिस्टम उसमें से नहीं था जो आपको एलिमेंट करना था, है कि नहीं। देखो सेवार्थी से ये संबंधित हुआ, सेवार्थी से ये भी संबंधित हुआ, वहां पे भी प्रश्न में ऐसे ही था। अगर आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो शायद याद आ रहा होगा, नहीं तो मैं जब मैं प्रश्न करवाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा वहां पे कि सिस्टम थ्योरी से ये प्रश्न आया हुआ है, देख लो, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो उसके बाद एक एक्सो सिस्टम होता है। एक्सो सिस्टम में दो प्रणालियों के बीच में, जैसे दो प्रणालियां क्या हो सकती है, जैसे कि केस वर्क भी आपको शामिल हो सकता है, आपके ग्रुप वर्क भी शामिल हो सकता है, और आपको ग्रुप वर्क और कम्युनिटी वर्क भी शामिल हो सकता है। मतलब दो प्रणालियां ये मानती है टोटली। आपको अगर ना कहना है दो प्रणाली तो आप तीनों प्रणाली कह लीजिए, बात खत्म करो, ठीक है। तो तीनों प्रणाली को मानेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उनके संबंधों में जो है बताता है ये प्रक्रियाएं किस तरीके से चल रही हैं, तो वो एक्सो सिस्टम को बताता है, वो एक्सो सिस्टम बताता है। और जो आपका मैक्रो होता है ना, यह एक बड़ी प्रणाली मानी जाती है। यहाँ सेवार्थी को प्रभावित करती है ये कि भाई उसकी नीतियाँ, उसकी पात्रता, उसके कार्यक्रम, प्रशासन, संस्कृति क्या हैं, किस तरीके से वो काम कर रहा है, उसको फॉलो करता है मैक्रो सिस्टम, है ना, याद रखिए। और एक नाम और आपने सुना होगा क्रोनो करके, नहीं सुना है तो सुन लो। क्रोनो सिस्टम क्या होता है, क्रोनो सिस्टम एक बड़ी प्रणाली जो है, क्रोनो सिस्टम जो होता है वो अनुकूलन को प्रभावित करने वाली होती है, मतलब अडेप्टेशन की बात करता है वो। तो जो महत्वपूर्ण जीवन की घटनाएं हैं ना, महत्वपूर्ण व्यक्ति की जो महत्वपूर्ण जीवन की घटनाएं हैं, मतलब मान के चलो ये कि व्यक्ति के अंदर जो महत्वपूर्ण गोल है, आपने जो 10 गोल में से आपने 4-5 गोल लिया है, उस गोल की बात मैं कर रहा हूँ, उसी गोल पर ये अनुकूलन करने की बात करता है, उसको क्रोनिकल एज कहते हैं, क्रोनिकल सिस्टम कहते हैं, क्रोनिकल सिस्टम कहते हैं, या क्रोनो सिस्टम बोला जाता है। बस इस बात को आप लोग खास कर ध्यान रखें। पर लुंडवीन वॉन बार्टालैम्फी का नाम आता है, याद रखेंगे। इस चिकित्सा में 1940 में इनकी भूमिका जो है देखने को मिली थी सिस्टम थ्योरी में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये भी तंत्र सिस्टम वही है, बाकी आप चाहें तो इसके अंतर्गत पढ़ सकते हैं, सारी चीजें दिया गया है यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो मॉडल सोशल थ्योरीज हैं। वैसे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों से बात करें थ्योरीज़ के बारे में, है ना, और आपको पता भी होनी चाहिए कि थ्योरीज़ कौन कौन से होती हैं, है ना,
तो उस समय थ्योरीज ऑफ सोशल वर्क में एक नाम हमें ये भी देखने को मिल जाता है, मॉडल वाला, है ना। इसलिए आप लोग ये भी ज़रूर ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या भूमिका हो सकती है जो है मॉडल सोशल थ्योरी में। तो ओरिजिनल अगर इसको बात किया जाए पब्लिश के रूप में, तो 2005 का नाम आता है, और ऑस्टिन, ठीक है, ऑस्टिन हैरिंगटन का नाम आता है 2005 में। मॉडल सिस्टम थ्योरी आई थी एंड इंट्रोडक्शन के रूप में इसको जो है परिचित किया गया था, यानी एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि दिया गया था ये। तो ध्यान रखेंगे प्रैक्टिस सोशल वर्क की थ्योरी है ये, ये क्या है, थ्योरीज हैं प्रैक्टिस सोशल वर्क की, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये 2005 में आया था। जी 2005 में आया था ये, 2005 में आया था, 2005 में। जी आप देख रहे हैं नाम भी यहां पर, मॉडर्न सोशल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें सामाजिक सिद्धांत, विश्लेषणात्मक ढांचे और प्रतिमान है जिसका उपयोग सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना था, उसका व्याख्या करना था, इसके बारे में, मॉडर्न के बारे में जो चीज़ें बात कही गई हैं, सामाजिक तथ्यों वगैरह के बारे में जिक्र किया गया था इसमें, ठीक है, मॉडर्न सोशल थ्योरी के अंतर्गत, ठीक है। इस बात को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। हम आगे जिक्र करते हैं, और भी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। सामाजिक सिद्धांत का उपयोग विभिन्न प्रकार के समाजों के बीच भेद और सामान्यीकरण करने की प्रक्रिया जो है मानी जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें जो जिक्र होता है आधुनिकता और विश्लेषण करने के लिए होता है, क्योंकि इसके पिछले कुछ शताब्दियों में ये जो है हमारे सामने आया था। उसके बाद हमारे सामने एक आता है द साइको डा जो है साइको डायनमिक डायग्नोस्टिक मैनुअल करके आता है, एक थ्योरीज है, ये पीडीएम के नाम से जाना जाता है, साइको सोशल, या आप ये कह लीजिए कि साइको डायनेमिक थ्योरी, साइको डायनेमिक थ्योरी, किसका नाम लगाना चाहेंगे आप साइको डायनेमिक थ्योरी में? मनोगतिकी सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड का नाम लगाना चाहते हैं? बिल्कुल फ्राइड का नाम कहना सत्य होगा यहाँ पर आप सभी के लिए। और यहाँ एक शब्द साइको के बारे में उन्होंने बताया था। आपको अगर एक शब्द ध्यान रखेंगे पीडीएम, कभी कभी पीडीएम का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो पीडीएम का नाम आप ध्यान रखेंगे, साइको डायनेमिक होगा, और एम जो साइको डायनेमिक होगा डायग्नोसिक, और आपका जो एम बनेगा यहाँ पे डी से डायनेमिक होगा, जो एम बनेगा आपका वो मैनुअल बनेगा, ठीक है। पब्लिश 2006 की है ये किताब। बेसिकली इस किताब के माध्यम से साइकोडायनेमिक सिद्धांत को लेकर बातचीत करने वाला विद्वान सिगमंड फ्रायड था, और इसने कहा कि मनोवैज्ञानिक शक्तियों को व्यवस्थित अध्ययन पर बल देना चाहिए, मानव व्यवहार, भावना और उन भावनाओं को कम करना और प्रारंभिक अनुभव से कैसे संबंधित हो सकता है इसके बारे में जिक्र करता है ये। तो यह विशेष रूप से चेतन और अवचेतन के बीच जो गतिशील संबंध होते हैं उनकी रुचियों के बारे में बात करता है। तो किसी व्यक्ति की जागरूकता के बाहर की शक्तियां यह स्पष्ट करती है कि वे एक निश्चित तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं, एक निश्चित तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं, इसके बारे में जिक्र होता है हमें यहाँ पे। और कहीं कहीं ये थ्योरी रिलेट करती है मनोविश्लेषण विश्लेषण सिद्धांत को भी, है ना, साइकोडायनेमिक थ्योरी, ठीक है। और याद रखिएगा ये दिया किसके लिए जाता है, ये अवसाद अगर कोई ग्रसित है, या चिंता से कोई ग्रसित है, या घबराहट या तनाव से, या उससे संबंध में, या शारीरिक बीमारी है कोई, मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण अगर कहीं देखने को मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन पे साइकोडायनेमिक मनोचिकित्सा जो है प्रभावी बन जाती है, तो उसे हम उपचार देते हैं, तो उसको समाज की मुख्य धारा से फिर हम उसको जोड़ भी देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अवसाद, चिंता, घबराहट, तनाव संबंधित जो शारीरिक बीमारियां होती हैं वो शामिल हैं साइकोडायनेमिक में। सिगमंड फ्रायड के द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। साइकोडायनेमिक थ्योरी मुख्य रूप से, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से थ्योरी स्टार्ट कब हुई, तो आपको बता दूं कि मुख्य रूप से 1909 में ये सिगमंड फ्रायड ने इस पे जो है काम करना शुरू कर दिया था। सिगमंड फ्रायड ने अपने पिता के द्वारा 5 वर्षीय लड़के लिटिल हंस के इलाज में देख रेख प्ले थ्योरी की भी जो है फ्ले जो प्ले थ्योरी होती है उसका इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है, साइकोडायनेमिक को ध्यान में रखते हुए। तो 1909 में किस बच्चे पर किया था, एक हंस व्यक्ति का नाम है
ध्यान रखिएगा। और लिटिल वंस, और कितने साल का था, 5 साल का था, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, किया था, यूज़ किया था। कब तक इस थ्योरी को देना चाहते हैं आप लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 45 मिनट आपको देना है, सप्ताह से लेकर प्रत्येक सप्ताह में कुछ समय के लिए ये थ्योरी दी जाती है। तो कोई भी काम अगर आप करेंगे सोशल वर्क में, तो आपके पास 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक ही आप कोई थ्योरी या कोई थेरेपी जो है आप उसे प्रोवाइड कराएंगे। ध्यान रहे, पता चले आप घंटों लगे हैं तो ये उचित नहीं होगा, ठीक है, इस बात को आप खासकर ध्यान रखेंगे। सर, जो पहली वाली थ्योरी थी मॉडर्न सोशल थ्योरी, इसको आधुनिक समाज कार्य का सिद्धांत बोलेंगे? जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखिए, कल मैं आप लोगों से जो है इसके आगे बात करूंगा, नेक्स्ट थ्योरी पर बारे में जिक्र करूंगा, अल्बर्ट पेंडुरा के बारे में, ये भी एक थ्योरी ही है ना, इनके बारे में जिक्र करूंगा कल वाली क्लास में, ठीक है।